Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine today. So today we are again back with a new video of sample question paper class 12 computer science with python for the session 2023-24. And in this video we are going to discuss section E, which consists of three questions, that is question number 33 to 35, in which each question carries 5 marks. We have discussed all the other sections in the previous videos. If you want to check out the solution and the explanation of those questions, you can check the link in the description box. So let us move to question number 33 and solve it. So question number 33 we are having based on the chapter computer networking. The question says Meticulous EduServe is an educational organization. It is planning to set up its India campus at Chennai with its head office at Delhi. The Chennai campus has four main buildings: admin, engineering, business and media. Here you can see the layout. Delhi is the head office and Chennai is the campus of the organization where the four buildings are there: admin, engineering, business and media. Along with that, the block to block distance is given in the meter of the all four blocks. After that, the number of computers are also provided in the each block, or you can say center. Now, on the basis of this given question, that is, this is a case study based question, you will get four statement questions, that is 4 marks question based on 4 parts or 5 parts. It is a 5 mark question, then 5 parts will be there. Sometimes last year this question came in the 4 marks this type, so it was of 4 marks with the 4 parts. Suggest and draw the cable layout to efficiently connect various blocks of buildings within the Chennai campus for connecting the digital devices. आपको सबसे पहले इसमें जो चेन्नई के कैंपस में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको कनेक्ट करने का एक लेआउट बताना है। तो ये करने के लिए हमारे पास दो टाइप के टॉपोलॉजी प्रेफरेबल होती हैं। वन इज़ द बस टॉपोलॉजी, सेकंड इज़ अ स्टार टॉपोलॉजी। बट इस केस में सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि सर्वर कौन से ब्लॉक को बनाना है। सर्वर हमेशा उस ब्लॉक को बनाया जाता है जिसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हमें किस में दिख रहे हैं, दैट इज़ इन द एडमिन ब्लॉक। तो एडमिन से हम बाकी सब बिल्डिंग्स को कनेक्ट करेंगे, और साथ में जब हम कनेक्शन करते हैं तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ध्यान रखना होता है। तो एडमिन के साथ अगर हम मीडिया, बिजनेस और इंजीनियरिंग के डिस्टेंस को चेक करें, तो एडमिन से इंजीनियरिंग का बिजनेस है 55, एडमिन से मीडिया का बिजनेस है 50, एंड एडमिन से अगर हम बिजनेस का देखें तो दैट इज 90। ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखें तो सबसे कम डिस्टेंस हमारे पास 45 मीटर है, फिर हमारे पास 50 मीटर है, ये दो हैं हमारे पास, और फिर हमारे पास दो हैं 55 एंड 55, ठीक है। लेकिन हमें एडमिन से इसे कनेक्ट करना है तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है 45, 50 और 55। तो 45 जो है वो हमारा किस किस के बीच में है? 45 इज़ बिटवीन बिजनेस एंड मीडिया, ठीक है। उसके बाद 50 किस किस में? इंजीनियरिंग से मीडिया और एडमिन से मीडिया। तो हमें एडमिन से कनेक्ट करना है, तो हम एडमिन से मीडिया को इस तरह से कनेक्ट करके 50 मीटर का डिस्टेंस इस तरह से शो कर सकते हैं। फिर एडमिन से इंजीनियरिंग का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 55 मीटर, हम ये कर सकते हैं, ये हो गया। और अगर हम एडमिन से बिजनेस को कनेक्ट करें तो डिस्टेंस 90 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम ये कनेक्शन नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज़ 50 जो है वो हमारा है एडमिन से मीडिया, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और एक हमारा इंजीनियरिंग से मीडिया है। अगर हम इंजीनियरिंग से मीडिया को कनेक्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें या तो इंजीनियरिंग और बिजनेस को कनेक्ट करना पड़ेगा या मीडिया और बिजनेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में इंजीनियरिंग और बिजनेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 55 है, और मीडिया और बिजनेस का जो डिस्टेंस है वो 45 है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा 45 है, इसलिए हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, विच इज़ 45 मीटर, मीडिया एंड बिजनेस। सो इन दिस केस ये हमारा जो लेआउट बना, इसमें हमने इंजीनियरिंग को एडमिन से, एडमिन को मीडिया से, और मीडिया को बिजनेस से कनेक्ट किया। तो ये हमारी कैसी टॉपोलॉजी है? एक स्ट्रेट लाइन में बन रही है, दिस इज नोन एज बस टॉपोलॉजी। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे टॉपोलॉजी का नेम भी पूछ लिया जाता है, दिस इज बस टॉपोलॉजी। और हमेशा इसमें दो बातों का ध्यान रखें, कनेक्शन सर्वर वाले ब्लॉक से होना चाहिए। सेकेंड चीज़, जो भी आप कनेक्शन कर रहे हैं डिस्टेंस हमेशा उसमें कम से कम रहना चाहिए, ताकि उसमें केबल की लेंथ जो है वो कम लगे। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इस तरह से केबल लेआउट बना के दिखाना होता है।
अब आप यहाँ से इसका आउटपुट भी चेकआउट कर सकते हैं। टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी है, एडमिन से इंजीनियरिंग, एडमिन से मीडिया और मीडिया से बिजनेस। तो इस तरह से इन्होंने कनेक्ट किया है और सेम हमने भी इसी तरह से कनेक्ट किया है। तो आपसे क्या पूछा गया, इसमें आपसे पूछा गया सजेस्ट टोपोलॉजी का नाम भी बताना है और केबल लेआउट भी बनाना है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में हाफ मार्क्स आपके केबल लेआउट के और हाफ मार्क्स आपके टोपोलॉजी के नेम के, ठीक है। मूव ऑन करते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या था, विच नेटवर्क डिवाइस विल बी यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक टू फॉर्म अ लोकल एरिया नेटवर्क। कौन से नेटवर्क डिवाइस का यूज़ करें अगर हमें हर ब्लॉक में सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे जो ब्लॉक है वो एडमिन ब्लॉक है, इसमें मान लो जैसे इसमें कितने कंप्यूटर्स हैं, मैक्सिमम 110 कंप्यूटर्स है, फिर इंजीनियरिंग वाले में 75 है। तो हर ब्लॉक के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो हमारे पास बेस्ट जो डिवाइस होता है वो होता है स्विच। दैट डिवाइस कैन बी यूज। स्विच और हब का यही काम होता है कि वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ताकि इंटरनेट जो है वो शेयर हो सके। लेकिन पहले हब यूज होता था, अब हम स्विच का यूज करते हैं, विच इज अ बेटर डिवाइस एज कम्पेयर टू द हब। देन सी पार्ट सेज विच ब्लॉक इन चेन्नई कैंपस शुड बी मेड द सर्वर जस्टिफाई आंसर। ये हमने अभी पढ़ा था कि चेन्नई कैंपस में हमें सर्वर बनाना है तो हमेशा उस ब्लॉक को बनाएंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे ताकि वहाँ पे जो डेटा है वो मैक्स टू मैक्स शेयर हो सके, ठीक है। सो दैट इज वाई वी मेक यूज ऑफ द कंप्यूटर जिसमें मैक्सिमम वी मेक यूज ऑफ द ब्लॉक, वो ब्लॉक लेते हैं एज अ सर्वर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो ताकि इंटरनेट इजीली शेयर हो सके और डेटा की ट्रांसमिशन हो सके। देन नेक्स्ट हमारे पास है विच, इसका आंसर है एडमिन। देन नेक्स्ट है हमारे पास विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम शुड प्रेफरेबली बी यूज टू कनेक्ट द हेड ऑफिस एट दिल्ली विद द कैंपस इन चेन्नई। हमें चाहिए वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। तो अगर आपको दिल्ली के हेड ऑफिस को चेन्नई के कैंपस से कनेक्ट कराना है तो आपको कौन सा वायरलेस ट्रांसमिशन यूज करना पड़ेगा, दैट वी नीड टू टेल। अब वायरलेस में हमारे पास कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, देन आपकी सैटेलाइट्स, ठीक है। तो दिल्ली और चेन्नई का जो डिस्टेंस है वो दो सिटीज के बीच का काफ़ी ज़्यादा हो गया, ये किलोमीटर्स में होगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2175 किलोमीटर। लेकिन ये हिली एरियाज नहीं है, जब भी हिली एरियाज की बात होती है तो वहाँ पे हम सैटेलाइट को प्रेफर करते हैं क्योंकि बाकी जो वायरलेस ट्रांसमिशन है उनके सिग्नल्स इतने स्ट्रांग नहीं जाते। तो दिल्ली और चेन्नई तो नॉर्मल हमारी सिटीज़ हैं, तो इसके लिए हम माइक्रोवेव का यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ बेस्ट फॉर कनेक्टिंग द टू सिटीज़, ठीक है। जहाँ पे हमें कनेक्ट करना होगा हेड ऑफिस एट दिल्ली विद द कैंपस इन चेन्नई, तो इस केस में हम यूज कर सकते हैं माइक्रोवेव, ठीक है। देन फिफ्थ पार्ट इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर इन द गिवन केबल लेआउट, व्हाई और व्हाई नॉट। ये जो हमने लेआउट बनाया है क्या इसके अंदर हमें रिपीटर की रिक्वायरमेंट है? जो हमने कनेक्शंस किए हैं वो सारे हमारे 70 या 100 मीटर से कम कम किए हैं। तो जब भी आपके जो वायर की जो केबल की कनेक्शन हो उसमें आपका डिस्टेंस 70 से ज़्यादा जा रहा हो या 100 से ज़्यादा जा रहा हो उस केस में हमें रिपीटर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम अपने लेआउट को देखें तो इसमें ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो यू विल राइट दिस थिंग कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज द डिस्टेंस इज लेस देन 70 मीटर, ठीक है। तो ये बी पार्ट का आंसर स्विच जो अभी हमने पढ़ा, एडमिन ब्लॉक बिकॉज इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, डी पार्ट में माइक्रोवेव, एंड रिपीटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन द लेआउट बिकॉज लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम between the two block does not exceed 70 meter, right? Now the next question we have is question number 34. It is having two parts and one internal choice question it is there. So here we are having the first part of 2 marks and second part of 3 marks, in total 5 marks. Same is the case with the internal choice question, first part of 2 marks and second part of 3 marks. And the 2 mark question is a theoretical question, whereas the 3 marks question is the based on the coding of the binary file. So the first part says differentiate between R plus and W plus file modes in Python. Students, जो Python के अंदर हम binary file में काम करते हैं या text file में काम करते हैं, तो ये जो आपके mode हैं R plus और W plus, ये हमारे generally text file में होते हैं, ठीक है। तो R generally किसके लिए होता है, reading के लिए, W किसके लिए होता है, writing के लिए, और A किसके लिए होता है, append के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम R plus और W plus की बात करते हैं तो R plus का मतलब read and write both, एंड W प्लस का मतलब भी राइट एंड रीड बोथ। लेकिन मेन फंक्शन R प्लस का रीडिंग होता है और मेन फंक्शन W प्लस का राइटिंग होता है, ठीक है। वैसे तो आप इसमें दोनों कर सकते हो लेकिन मेन पर्पस इनका रीडिंग एंड राइटिंग रिस्पेक्टिवली रहता है। दूसरी चीज इसमें ये रहती है कि जो आपके फाइल पॉइंटर होता है R प्लस मोड में, वो फाइल की बिगनिंग पे रहता है। एंड अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है,
अगर आपने आर प्लस मोड में फाइल को ओपन किया एंड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इट विल शो यू एरर, ठीक है। लेकिन अगर आप डब्ल्यू प्लस मोड की बात करें तो इसमें भी फाइल पॉइंटर आपका बिगनिंग में ही रहता है, बट इसमें अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है इट विल नॉट शो एनी एरर, बट वो उस फाइल को क्रिएट कर देगा, ठीक है। आर प्लस मोड में वो स्टार्टिंग से रीड करेगा जो डेटा है एज इट इज़ रहेगा, और डब्ल्यू प्लस मोड में अगेन वो स्टार्टिंग से ही रीड करेगा, फाइल पॉइंटर बिगनिंग ऑफ द फाइल पे ही होगा, लेकिन जितना भी डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है वो सबको ओवरराइट कर देगा, उस सारे डेटा को हटा के नए डेटा को वो एड ऑन करेगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आर प्लस एंड द डब्ल्यू प्लस मोड। सो यू कैन सी इन द मार्किंग स्कीम ऑल्सो। अब ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो मिनिमम आप इसमें 2 डिफरेंस दे सकते हो, अगर आपको उससे ज़्यादा आते हैं तो 1 एक्स्ट्रा आप दे सकते हो। प्राइमरी फंक्शन रीडिंग है, डब्ल्यू प्लस में प्राइमरी फंक्शन राइटिंग है, इसमें फाइल पॉइंटर आपका बिगनिंग पे होता है, इसमें भी फाइल पॉइंटर बिगनिंग पे होता है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई। देन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो इसमें एरर आएगा, लेकिन डब्ल्यू प्लस मोड में फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो न्यू फाइल क्रिएट करेगा और आपका जो प्रीवियस डेटा है वो क्या हो जाएगा, ओवर रिटन हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों मोड आप टेक्स्ट फाइल में यूज कर सकते हो, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, कंसीडर अ फाइल स्पोर्ट डॉट डैट, बाइनरी फाइल है, डॉट डैट एक्सटेंशन है, देख के पता लग गया। कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, स्पोर्ट नेम, टीम नेम एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। देन राइट अ फंक्शन कॉपी डेटा दैट रीड्स द कंटेंट्स फ्रॉम द फाइल स्पोर्ट डॉट डैट एंड कॉपीज द रिकॉर्ड विद द स्पोर्ट नेम इज बास्केटबॉल ऑफ द फाइल नेम्ड बास्केट डॉट डैट। द फंक्शन शुड रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कॉपी टू द फाइल बास्केट डॉट डैट। क्या मतलब है, एक स्पोर्ट डॉट डैट नाम की बाइनरी फाइल है जिसमें स्पोर्ट्स नेम, टीम नेम और नंबर ऑफ प्लेयर्स डेटा एडिड है। एक फंक्शन बनाना है कॉपी डेटा के नाम से जो स्पोर्ट डॉट डैट के अंदर डेटा है, जहाँ पे स्पोर्ट नेम बास्केटबॉल है, उन रिकॉर्ड्स को वो कॉपी करके बास्केट डॉट डैट फाइल के अंदर पेस्ट कर दे। एंड इस फंक्शन से आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं वो भी पता लगे, वो ये फंक्शन आपको रिटर्न करे, ठीक है। तो अब इसमें तो सीधा इसने कहा कि कॉपी करके पेस्ट कर दे, लेकिन उसके लिए अगर हम प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को करें तो पहले तो हमें उस फाइल में डेटा को डलवाना पड़ेगा। तो पहले हम कोडिंग लिखते हैं राइट कराने की, फिर हम उसमें से रीड करके कॉपी कराएंगे, ठीक है। तो जितनी कोडिंग आपको लिखनी है इसके अंदर वो भी हम समझते हैं, पहले हम इसके अंदर फाइल में डेटा को राइट कराएंगे। फाइल का नाम क्या है, स्पोर्ट डॉट डैट। यहाँ से गए बाइनरी फाइल में काम कर रहे हैं तो कौन से मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे, पिकल मॉड्यूल। देन फाइल को हमने ओपन किया, फाइल का नाम है स्पोर्ट डॉट डैट, ठीक है। नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, वैसे तो इसमें रीड कराने के लिए आर बी मोड लगेगा लेकिन हमें राइट कराना पड़ेगा इसलिए डब्ल्यू बी मोड में फाइल को ओपन किया। क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, 3 चीज़ें हैं, स्पोर्ट नेम, टीम नेम, नंबर प्लेयर्स। तो यहाँ से हमने ले लिया स्पोर्ट नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर स्पोर्ट्स नेम, फिर हमने यहां से लेना है टीम नेम इनपुट एंटर टीम नेम। देन इसके बाद हमें क्या चाहिए, वी नीड टू हैव द नंबर ऑफ प्लेयर्स, इंट में ले लिया हमने इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। ये तीनों चीजें हमने यूजर से इनपुट करानी है, ठीक है। तो ये कब तक करानी है, हम यहाँ पे एक वाइल लूप चला देते हैं, वाइल ट्रू। हर रिकॉर्ड के बाद यूजर से पूछेंगे आपको और रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है या नहीं कराना, ठीक है। 3 चीजें हमने ले ली यूजर से और इसके लिए एक लिस्ट ले लेते हैं आर के नाम से, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डेटा है इसको पहले राइट कराना है, यूजर से डेटा इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी हमें। ये सारा हमने डेटा नाम के वेरिएबल में ले लिया और यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी लिस्ट थी इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और इसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट।
स्पोर्ट नेम, टीम नेम, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा आर है लिस्ट, इसमें हमने डेटा को अपेंड करा दिया, क्योंकि हम एक से ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। अपेंड करा दिया ये सारा डेटा और आर हमारी बन गई नेस्टेड लिस्ट। अब हम यूज़र से पूछेंगे कि क्या आपको और डेटा ऐड कराना है। सपोज फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड कराया, फिर पूछा कि और रिकॉर्ड ऐड कराना है, तो इस केस में वांट टू एंटर मोर लिखेंगे। एंड इन केस यूज़र का जो आंसर है वो नो होता है, स्मॉल एन या फिर कैपिटल एन, तो इस केस में हमें क्या कराना है, ब्रेक कराना है। मतलब उसके आगे वो यूज़र से इन्फॉर्मेशन ना ले, ठीक है। और जितनी इन्फॉर्मेशन यूज़र से ले ली उसको वो जाके राइट करा दे, किस में, पहले तो इसी फाइल में राइट कराएगा। तो राइट कराने के लिए हम लिखेंगे पिकल डॉट डम्प, हमारी लिस्ट का क्या नेम है, लिस्ट का नाम है आर, और फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल का नाम है एफ, और फिर हमने फाइल को क्या कर देना है, क्लोज, ठीक है। तो ये कोड अभी हमने नहीं लिखना, हमने जो कोड लिखना है वो अभी हम आगे समझेंगे। ये तो यहाँ से पहले हम उसमें डेटा को एंटर करवाएंगे, ठीक है। अब हमें एक फंक्शन बनाना है कॉपी डेटा के नाम से, जो कि इस फाइल से डेटा के कंटेंट को रीड करेगा और जहाँ पे स्पोर्ट्स का नेम बास्केटबॉल आ रहा है उसको बास्केट डॉट डैट फाइल में जाके पेस्ट कर देगा, और ये भी देखेगा कि टोटल कितने ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें स्पोर्ट बास्केटबॉल है, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया, अब हम अपनी फाइल को दोबारा से ओपन करेंगे। द नेम ऑफ माई फाइल इज स्पोर्ट डॉट डैट, ठीक है। तो इस फाइल को आप दोबारा से ओपन करोगे, लेकिन इस बार किस मोड में ओपन करना है, इस बार रीड मोड में ओपन करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम फाइल में से डेटा को क्या करा रहे हैं, रीड करा रहे हैं। और दूसरी फाइल में, इसमें से कॉपी करके दूसरी फाइल में हमने क्या करना है, पेस्ट कराना है, तो उसको राइट मोड में ओपन कराना पड़ेगा। एंड इसका नाम दे देंगे बास्केट, जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसके फाइल हैंडल का नाम हो गया F1, ठीक है। नाउ अब हमने क्या दिया, हमने कहा ए इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइल हैंडल। कौन सा दे रहे हैं, स्पोर्ट डॉट डैट फाइल में से रीड कराना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एफ फाइल हैंडल लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा फॉर आई इन ए, अब पहला रिकॉर्ड जो है मेरा, जैसे उसमें कोई स्पोर्ट नेम आया, टीम नेम आया, नंबर ऑफ प्लेयर्स आए, जिसमें भी मेरा स्पोर्ट नेम बास्केटबॉल है वो हमें वहाँ पर डंप कराना है, राइट कराना है। तो जो स्पोर्ट्स नेम है वो कौन सी पोजीशन पे है, ये देखो, स्पोर्ट नेम 0 पोजीशन पे है, टीम नेम 1 पोजीशन पे है, और नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे 2 पोजीशन पे। तो हम क्या कहेंगे, फॉर आई इन ए इफ आई ऑफ 0 इक्वल्स टू बास्केटबॉल, बास्केटबॉल अगर बास्केटबॉल के इक्वल है तो उसको प्रिंट करा दो पहले। तो हमने कहा प्रिंट आई, अब सपोज हमने चेक भी करना है कि वो कौन सा रिकॉर्ड है, और यहाँ से हमने कह दिया पिकल डॉट डम्प आई कॉमा F1, या फिर हम प्रिंट आई ना करके सीधा इसको राइट भी करा सकते हैं कि जहाँ पे भी उसमें आ रहा है कि वहाँ पे जो स्पोर्ट्स नेम है वो बास्केटबॉल है, उसको हम F1, F1 इज़ द फाइल हैंडल ऑफ दिस फाइल, इस फाइल के अंदर क्या करा दें, राइट करा दें, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारा काउंट है वो हो जाए काउंट प्लस 1। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से काउंट की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड जिसमें बास्केटबॉल स्पोर्ट आ रहा है उन्हें काउंट भी कराना है, रिटर्न कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, इस फंक्शन, इस फॉर लूप के बाद हम कह देंगे रिटर्न काउंट, ठीक है, ये हमने रिटर्न करा दिया। अब ये जो फंक्शन है इसे हमें कॉल भी करना पड़ेगा। हमारे फंक्शन का क्या नेम था, हमारे फंक्शन का नेम था कॉपी डेटा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेफ कॉपी डेटा, ठीक है। और ये हमने फंक्शन के अंदर डाला, इसके अकॉर्डिंग हम इसकी इंडेंटेशन करनी पड़ेगी। लेट अस डू दिस वन, क्या रिटर्न करा दिया काउंट। उसके बाद हम दोनों फाइल्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो पहले का फाइल हैंडल है एफ, इससे क्लोज किया, दूसरे का फाइल हैंडल है F1, इससे हमने इसको क्लोज किया।
ठीक है। और इसके बाद हम अपने फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखेंगे, विच इज कॉपी डेटा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डन, राइट। तो हमने ये जो फंक्शन बनाया है ना, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट आपको लिखना है अपनी कोडिंग में। ऊपर वाला पार्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमें इसके अंदर कोई ना कोई डेटा डालना पड़ेगा, अदरवाइज जब तक नहीं डालेंगे तो फाइल एम्प्टी रहेगी, तो उसमें से रीड क्या करेगा। ठीक है, अब इसमें हमने डेटा डाला, राइट करा दिया, फिर इसके बाद हमने कॉपी डेटा एक फंक्शन बनाया जिसमें जहाँ पे भी स्पोर्ट डॉट डैट फाइल में स्पोर्ट का नेम बास्केटबॉल है, वो सारे रिकॉर्ड्स हम बास्केट डॉट डैट फाइल में राइट करा रहे हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट डॉट डैट फाइल से रीड करने के लिए पिकल डॉट लोड एफ किया, और राइट कराना है तो पिकल डॉट डम्प आई कॉमा F1 किया, जो फाइल हैंडल है बास्केट डॉट डैट फाइल का। इसको अब रन करते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले एंटर स्पोर्ट्स नेम, सपोज हमने कह दिया क्रिकेट, टीम नेम सपोज कह दिया हमने इंडिया, नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गए 10, वॉन्ट टू एंटर मोर, येस। अब हमने यहाँ पे डाल दिया बास्केट बॉल, ये केस सेंसिटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल जैसे आपने यहाँ लिखा है ना, ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है इस तरह से, हमने इसको ऐसे ही दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या आया, स्पोर्ट्स नेम हो गया, नेक्स्ट डालना है टीम नेम, सपोज हमने यहाँ से डाल दिया ऑस्ट्रेलिया, एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स डाल दिया 15, वॉन्ट टू एंटर मोर, येस। स्पोर्ट्स नेम अगेन डाल दिया बास्केट बॉल, एंड टीम नेम डाल दिया हमने इंडिया, एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स डाल दिया 20। तो बास्केटबॉल वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं, एक ये है और एक ये है, टोटल दो रिकॉर्ड हैं। वॉन्ट टू एंटर मोर नो कर दिया, तो ये इसने क्या किया, ले लिया। ठीक है, अब ये इसने ले लिया, राइट हो गया फाइल के अंदर डेटा, लेकिन हमें शो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने प्रिंट की कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ऑल्दो इसने रिटर्न तो कराया है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट कॉपी डेटा। ठीक है ना, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो या किसी भी वेरिएबल में ऐड करके उसको प्रिंट करा दो। ठीक है, तो ये जो रिटर्न करेगा वो आपको आ जाएगा यहाँ पे। एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं। स्पोर्ट्स नेम हमने यहाँ पे दे दिया क्रिकेट, टीम नेम हमने दे दिया इंडिया, नंबर ऑफ प्लेयर्स 10, वॉन्ट टू एंटर मोर, येस। स्पोर्ट्स नेम बास्केटबॉल, टीम नेम ऑस्ट्रेलिया, नंबर ऑफ प्लेयर्स 15, वॉन्ट टू एंटर मोर, येस। स्पोर्ट्स नेम अगेन बास्केटबॉल, देन टीम नेम इंडिया, देन नंबर ऑफ प्लेयर्स 20, वॉन्ट टू एंटर मोर नो, और यहाँ से इसने क्या दिखा दिया, 2। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें बास्केटबॉल है वो हमारे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से ये प्रिंट भी करा सकते हो, पिकल डॉट डम्प किया, और यहाँ से आपने, आप यहाँ पे प्रिंट आई भी करा सकते हो, दैट इज आपने कह दिया राइट कर दे और फिर उसे प्रिंट कर दे। ठीक है, और फिर आपने काउंट को एक इंक्रीज करके और रिटर्न काउंट कर दिया। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो प्रिंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैविंग बास्केटबॉल एज अ गेम इज कॉपी डेट। ठीक है, तो उसमें किस में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने आउटपुट में देखा कि 2 रिकॉर्ड्स ऐसे थे जिसमें बास्केटबॉल हमारा स्पोर्ट्स था। तो इस केस में देखो आपने क्या किया, आपने कॉपी डेटा फंक्शन बनाया, स्पोर्ट डॉट डेट फाइल से कंटेंट को रीड किया, और जहाँ पे भी स्पोर्ट्स का नेम बास्केटबॉल था उसे आपने राइट कराया बास्केट डॉट डैट में। ठीक है, और कितने रिकॉर्ड्स ऐसे थे वो भी हमने उसको रिटर्न करा दिया। तो पेपर में आप कितना कोड लिखोगे, आपने इतना कोड लिखना है, 10 मच पार्ट। ठीक है, ऊपर का कोड सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट के लिए है, आप पेपर में इतना कोड लिखेंगे, दिस विल कैरी योर 3 मार्क्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जो और में इसके इंटरनल चॉइस है उसमें मूव ऑन करते हैं। हाउ आर टेक्स्ट फाइल्स डिफरेंट फ्रॉम द बाइनरी फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स बाइनरी फाइल से अलग कैसे हैं। ये चैप्टर आपका फाइल हैंडलिंग का है, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। टेक्स्ट फाइल्स में जो डेटा होता है वो हमारा एस्काई कोड या यूनिकोड कैरेक्टर्स के फॉर्म में होता है, और बाइनरी फाइल में जो हमारा डेटा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। टेक्स्ट फाइल का डेटा ह्यूमन रीडेबल होता है बिकॉज एस्काई कोड और यूनिकोड कैरेक्टर्स को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन बाइनरी फाइल का जो डेटा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, तो उसे हम रीड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें होती है कि जो टेक्स्ट फाइल होती है उसमें एक डीलिमिटर होता है, स्लैश एंड एंड ऑफ द लाइन, लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसा कोई डीलिमिटर नहीं होता है। ठीक है,
अच्छा एक चीज़ और इसमें, यहाँ पे जो हमने अभी क्वेश्चन दिया था इसको इन्होंने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल रखा है। कई बार ईओएफ एरर या इनपुट आउटपुट एरर अगर आता है तो उस केस में आप बेटर होता है कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल दो। अभी हमने नहीं डाला था, तब भी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा था, तो आप डाल दें तो थोड़ा सा बेटर रहता है, क्योंकि वाइल लूप में कई बार ये करता है। हमने इसमें 4 लगाया था तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा था। ठीक है, तो इसकी मार्किंग स्कीम आपको दी हुई है किस तरह से हाफ ऑफ मार्क्स हैं करेक्ट ब्लॉक के या करेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग फाइल के, तो दैट यू नीड टू चेक इट आउट। तो उसके बाद नेक्स्ट की हम क्या बात कर रहे थे, हाँ डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, या स्काई कोड में डेटा स्टोर्ड है या बाइनरी फॉर्म में स्टोर्ड है। एक्सटेंशन का डिफरेंस लिख सकते हो, टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी है, बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन डॉट डी ए टी है। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर स्लैश एंड डिलिमिटर आपका टेक्स्ट फाइल में होता है लेकिन बाइनरी फाइल में नहीं होता, और जो बाइनरी फाइल होती है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती लेकिन जो टेक्स्ट फाइल होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट फाइल एंड द बाइनरी फाइल। यू कैन राइट एनी टू डिफरेंसेज बिटवीन दैम। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द कोडिंग क्वेश्चन। अ बाइनरी फाइल सिनेमा डॉट डैट, वॉट इज द नेम ऑफ द फाइल, सिनेमा डॉट डैट हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, एम नंबर, एम नेम, एम टाइप। एम नंबर मूवी नंबर, एम नेम मूवी नेम, और एम टाइप क्या है, मूवी टाइप। डिक्शनरी के फॉर्म में है, एम नंबर की होगा और एम नेम और टाइप उसके क्या होंगी, वैल्यूज होंगी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। एक फंक्शन लिखना है फाइंड टाइप के नाम से, जिसमें एम टाइप पैरामीटर जाएगा और बाइनरी फाइल में से सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जिसका मूवी टाइप एम टाइप होगा। अब उसमें से डेटा को सर्च कराने के लिए पहले हमें डेटा डालना पड़ेगा, तो सेम चीज़ पहले हमें प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वो कोडिंग लिखनी पड़ेगी जिससे हम इसमें डेटा को डाल पाए। ठीक है, तो हम वापस से जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इसी में चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, फाइल का नाम है सिनेमा। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपनी एम नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली। वाइल ट्रू हमने तीन चीज़ें इसमें यूजर से लेनी है, एम नंबर, एम नेम, एम टाइप। तो यहाँ पे हमने लिया एम नंबर और एम नेम, और यहाँ पे ले लेंगे हम एम टाइप। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एम नंबर इक्वल्स टू यहाँ कर देंगे इंट, इनपुट एंटर मूवी नंबर, राइट। एम नेम में कर देंगे एंटर मूवी नेम, नेक्स्ट में कर देंगे एंटर मूवी टाइप, हो गया। अब हमने इस डेटा को डिक्शनरी में डलवाना है, तो हम क्या कहेंगे, डिक्शनरी का नाम है एम और इसकी की क्या है, एम नंबर है, तो ये ऐसे आ गई, और इसकी वैल्यू क्या है, एम नेम और एम टाइप। तो यहाँ से हमने दिया एम नेम कॉमा एम टाइप। ठीक है, जब तक ये है इसके अंदर, जब तक यूजर से वैल्यू लेनी है तब तक इसके अंदर अपेंड डेटा डलता जाएगा, और हम हर एक एंट्री के बाद पूछेंगे वॉन्ट टू एंटर मोर, अगर कहीं पे नो चॉइस दी यूजर ने तो उस केस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारी फाइल है वो अगेन बाइनरी फाइल है, तो पिकल डॉट डम्प, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एम, द नेम ऑफ द डिक्शनरी इज एम। ठीक है, एफ डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दिया। अब हमारे फंक्शन का क्या नेम है, फाइंड टाइप। तो ये जो फाइंड टाइप है इसे हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे जाके इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, फाइंड टाइप, और इसमें जो हमारा पैरामीटर जा रहा है दैट इज एम टाइप, एम टाइप। ओके, सो इस केस में हमने कौन सी फाइल को ओपन करना है, सिनेमा डॉट डैट। अब इसको हम ओपन करेंगे रीड मोड के अंदर, रीड मोड में हमने इसे ओपन किया। दूसरी फाइल को हम यहाँ से हटा देते हैं, काउंट को भी हटा देते हैं। हमने कहा ए इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ, जो भी सारा डेटा था इसमें आ गया फॉर आई इन ए। अब इसमें हमारी क्या कंडीशन है, देखो सबसे पहले हमने फाइंड टाइप फंक्शन बनाया एंड इसमें हमने पैरामीटर पास किया एम टाइप के नाम से। अब जो सिनेमा डॉट डैट फाइल हम बना चुके हैं जिसमें डेटा हम राइट कर चुके हैं, अब उसको रीड मोड में ओपन किया और लोड फंक्शन की हेल्प से सारा डेटा ए में आ गया।
अब एक एक करके हमें उसको एक्सेस करना है, ट्रेवर्स कराना है। तो हमें क्या चाहिए, जो एम टाइप यूज़र ने डाला है अगर वो फंक्शन के दिए हुए एम टाइप के इक्वल है तो वो रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले कराने हैं। तो पहले हमें यूज़र से एम टाइप लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं एम टाइप इज इक्वल टू इनपुट एंटर मूवी टाइप, ठीक है, एंटर मूवी टाइप। और यहाँ से हम फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे फाइंड टाइप, और यहाँ से हमने लिख दिया माई एम टाइप, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे द नेम ऑफ माई फंक्शन इज फाइंड टाइप, एंड यहाँ हमने कर दिया एम टाइप, ठीक है। अब ये एंटर कराने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अब कंडीशन पे आते हैं। इफ व्हाट इज द नेम ऑफ माई डिक्शनरी, द नेम ऑफ माई डिक्शनरी इज ए। ये जो डेटा मैंने लिया वो ए में स्टोर हो रहा है, तो इट मीन्स ए में डेटा मेरा कैसे जा रहा है, डिक्शनरी के फॉर्म में जा रहा है। आप ये एम नाम भी ले सकते हो, हम इसको यहाँ पे ए ले रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई मतलब, अब देखो डिक्शनरी में जब भी फॉर लूप लगाते हैं तो इसका मतलब होता है उसकी की, तो उसकी की का अगर देखो जैसे कि मेरी डिक्शनरी है ये वाली, तो ये जो मेरी है दैट विल बी कॉल्ड एज माई की, तो दिस इज माई की, तो ये मेरे इस केस में आई है, ठीक है। और ये लिस्ट है, तो लिस्ट में पोजीशन है 0 और 1, ठीक है। उसकी की 0 पोजीशन या 1 पोजीशन मुझे क्या मैच करानी है, टाइप। तो की 1 पोजीशन अगर एम टाइप के इक्वल है तो उस केस में हमें उसे प्रिंट कराना है, यानी कि ए ऑफ आई ऑफ 1 इक्वल्स टू एम टाइप जो यूज़र से एंटर कराई है, तो हमने उसे क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो उस की को भी प्रिंट कराना है और उस वैल्यू को भी प्रिंट कराना है। तो की तो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, आई से, और वैल्यू किससे रिप्रेजेंट हो रही है, ए ऑफ आई से। अब ऐसे लिखूंगी तो की और वैल्यू के बीच में स्पेस आएगा कोमा के प्लेस पे। कॉलन का साइन लगाने के लिए इसमें आप एक चीज़ और दे सकते हो, ऐसे कोट्स दे दो और ऐसे लिख दो, ठीक है। और ये आपने इससे क्या किया, ओपन करा लिया, ठीक है, प्रिंट करा दिया। उसके बाद आप यहाँ से फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। फाइल को आपने क्लोज कर दिया, ठीक है, काम खत्म। अब हम इसको रन करके चेकआउट करते हैं। ओके, चलिए हमने इसको रन किया, रन करके चेक किया, एंटर मूवी नंबर 1 हो गया, एंटर मूवी नेम जवान, मूवी टाइप एक्शन, देन ओके यहाँ इंट दे दिया हमने शायद, इसको ठीक करते हैं। एम टाइप विल बी ओनली इनपुट, ओके लेट अस रन इट अगेन। मूवी नंबर 1, मूवी नेम जवान, मूवी टाइप एक्शन, वॉन्ट टू एंटर मोर, येस। एंटर मूवी नंबर 2, मूवी डाल दी हमने राज, मूवी टाइप इज सपोज हॉरर मूवी, ठीक है, वॉन्ट टू एंटर मोर, येस। मूवी नंबर 3, मूवी नेम गदर, एंड मूवी टाइप एक्शन मूवी, ठीक है, ओके। सो वॉन्ट टू एंटर मोर, नो कर दिया। एंटर मूवी टाइप, अब हमें वो मूवी टाइप बताना है जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो हमने सपोज एक्शन मूवीज चेकआउट करनी है, तो हमारे पास कौन कौन सी आ रही है, 1 जवान कॉमा एक्शन, 3 गदर एक्शन, ठीक है। ये कॉमा आ रहा है यहाँ पे, कॉमा के प्लेस में यहाँ हमें ये साइन चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी में की और वैल्यू के बीच में कॉलन का साइन होता है, तो इसे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो मूवी टाइप हमने एंटर कराया ना वो वाले हमें शो करें। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने 3 एंटर कराए थे, एक जवान थी, एक रास थी, एक गदर थी, 2 एक्शन मूवी हैं और एक हमारी हॉरर मूवी है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से करना था, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बाइनरी फाइल, इसने डिस्प्ले करके दिखा दिया। ये क्वेश्चन की कोडिंग आपको ऐसे करनी है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर, 5 मार्क्स का। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट 1 मार्क का, दूसरा पार्ट आपका 4 मार्क का, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, डिफाइन द टर्म डोमेन विद रिस्पेक्ट टू RDBMS। RDBMS क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें डोमेन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल दो। डोमेन स्टूडेंट्स क्या होता है, पूल ऑफ वैल्यूज, बहुत सारी इकट्ठी वैल्यूज जिसमें से हम पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके टेबल में पर्टिकुलर कॉलम में डालते हैं।
जैसे मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे मेरे पास मान लो वन है, एक नाम है रोहन, और एक मार्क्स है मेरे पास सपोज 90, फिर उसके अंदर मेरे पास एक है 5, फिर एक और मार्क्स है, फिर नाम है। तो मैं अगर उसमें से नेम्स उठा के नेम वाले कॉलम में डाल रही हूँ, रोल नंबर उठा के रोल नंबर वाले कॉलम में डाल रहे हैं, मार्क्स उठा के मार्क्स वाले कॉलम में डाल रहे हैं, तो वो सब क्या है? जो मिक्स ऑफ वैल्यूज है, पूल ऑफ वैल्यूज है, वो सब क्या है? डोमेन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक वैल्यू इन ईच रो। ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज हैं जिससे जो हमारा रो, हर एक रो जो है वैल्यू ले सकती है। जैसे कि रोल नंबर फील्ड है, उसमें इंटीजर वैल्यू हो सकती है, तो जितनी भी इंटीजर वैल्यूज हैं उनको हम रोल नंबर में डाल सकते हैं। सो दैट इज द आंसर ऑफ द डोमेन, जो कि आपका 1 मार्क कैरी करेगा। हाफ मार्क्स इसमें डेफिनेशन के, हाफ मार्क्स इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, एक चीज इसमें स्टूडेंट्स, जो अभी हमने क्वेश्चन किया इसमें ना, यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है, जो सोल्यूशन प्रोवाइडेड है, यहाँ पे जब इन्होंने लोड किया तो इन्होंने यहाँ पे डेटा ऑफ टू लिखा हुआ है। तो डेटा ऑफ टू तो तब लेंगे जब हमारा डेटा एक लिस्ट के फॉर्म में होता। एम नंबर, एम नेम, एम टाइप जो है वो हमारा लिस्ट के फॉर्म में होता है, लेकिन ये डिक्शनरी के फॉर्म में है। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ए ऑफ टू कर दूँ यहाँ पे, और अब अगर हम इसे रन करें यहाँ से, एंटर मूवी नंबर दैट इज सपोज 1, मूवी नेम सपोज गदर, मूवी टाइप एक्शन, वॉन्ट टू एंटर मोर येस, मूवी नंबर सपोज 2, मूवी नेम सपोज जवान, एंड मूवी टाइप सपोज एक्शन, ये डाल दिया, नो कर दिया, एंड मूवी टाइप सपोज एक्शन ही दे दी हमने। तो इसके आगे देखो ये कुछ आउटपुट नहीं दिखा रहा। समटाइम्स एरर आएगा लेकिन आउटपुट नहीं दिखा रहा एग्जैक्टली आपको। तो इस केस में ये कह रहा है कि अगर आपके एम टाइप के इक्वल है तो उसको प्रिंट कराना था, लेकिन इस केस में इसने प्रिंट नहीं कराया, यानी कि ये मैच ही नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑफ टू नहीं देंगे, बिकॉज ए में तो क्या आई है, डिक्शनरी आई है, और ए ऑफ टू मतलब डिक्शनरी का, डिक्शनरी में अगर कोई की टू है तो वो उसे मैच करेगा, लेकिन डिक्शनरी में यहाँ पे की हमारी क्या है, नंबर जो टू है, इसमें जो नंबर है दैट इज टू ना। ठीक है, ठीक है। सो अगर वो एम टाइप के इक्वल है तो टू, तो ए ऑफ टू का मतलब की टू हो, और वो एम टाइप उसका एक्शन है तो वो तो कभी मैच करेगा ही। सो इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो मैच नहीं कर रहा, आउटपुट इज नॉट कमिंग। सो दैट इज वाई इन दिस केस यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इट विल हैव डेटा ऑफ चेंजेस होंगे यहाँ पे। मतलब जैसे हमने यहाँ ए इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड लिखा, फिर फोर लूप लगाया, फिर ए ऑफ आई ऑफ 1 किया इक्वल्स टू एम टाइप, वैसे इसको लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेटा के अंदर तो डिक्शनरी आई, तो फोर लूप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर इफ की कंडीशन लगेगी। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इसमें सेकेंड पार्ट में इंटरनल चॉइस है। ये क्वेश्चन आपका बेस है कनेक्टिविटी पे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कबीर वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल नेम्ड स्टूडेंट इन द माई एसक्यूएल डेटाबेस स्कूल। कबीर को एक पाइथन में प्रोग्राम लिखना है जिसमें माई एसक्यूएल के डेटाबेस है स्कूल, जिसमें एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, और उसमें ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने हैं, रोल नंबर, नेम, DOB, फी। तो इसके लिए माई एसक्यूएल में पहले आपके पास ये डेटाबेस और ये टेबल पहले से बनी हुई होनी चाहिए। नोट द फॉलोइंग टू एस्टेब्लिश द कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड माई एसक्यूएल। यूजर नेम दिया हुआ है, पासवर्ड दिया हुआ है, होस्ट दिया हुआ है, और जो आपको रोल नंबर, नेम, DOB और फी की जो वैल्यूज हैं वो आपको यूजर से लेनी है। तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए जाएंगे माई एसक्यूएल में, और माई एसक्यूएल में जाने के बाद हमें चेक करना है कि ये डेटाबेस और टेबल हमारे पास होनी चाहिए, नहीं है तो इसे क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ शो डेटा बेसिस, तो स्कूल नाम का डेटाबेस आई एम ऑलरेडी हैविंग, तो विल से यूज स्कूल। ठीक है, अब यूज स्कूल कर दिया। अब इसके बाद इसके अंदर टेबल्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। शो टेबल्स, इसमें स्टूडेंट नाम का टेबल है। ठीक है, हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इस केस में अभी एम्प्टी सेट दिखा रहे हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमने कॉलम्स लिए हुए हैं। मैंने पहले से ये टेबल बना के रखी थी, तो हम यहाँ से करते हैं DESE स्टूडेंट, और यही फील्ड्स ली थी जो क्वेश्चन में गिवन है, रोल नंबर, नेम, DOB और फी लिया था। ठीक है, यही चाहिए था। अब इसमें डेटा को इंसर्ट कराना है,
तो ये काम हमें पाइथन में करना है, और वो काम हमारा कहाँ होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ओपन किया अपना एक ब्लैंक फाइल ओपन की, और MySQL डॉट कनेक्टर को हम इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज एम कर दिया, ठीक है। फिर हम अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे एम डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पे जो यूज़र है उसकी वैल्यू क्या है, हमारी रूट है, और उसके बाद हमारा जो होस्ट है दैट इज माई लोकल होस्ट, एंड उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे पासवर्ड, जो हम अपने सिस्टम का भी पासवर्ड लिख रहे हैं MySQL का, MySQL का जो पासवर्ड है, एंड डेटाबेस नेम इज स्कूल, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। इस चीज़ के लिए एक बार हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन ये है कि यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड टाइगर है, होस्ट लोकल होस्ट है। तो यूज़र नेम और होस्ट तो हमने ठीक लिखा, बाय डिफॉल्ट यही होता है, लेकिन पासवर्ड यहाँ क्वेश्चन में टाइगर गिवन है, तो आपने यहाँ पे टाइगर ही लिखना है अपने आंसर शीट में। आई एम राइटिंग हेयर 1 2 3 4 5 बिकॉज ये मेरे MySQL का पासवर्ड है, ठीक है। प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए आई कैन नॉट राइट टाइगर बिकॉज वो मैंने वहाँ सेट नहीं किया हुआ, तो वो एरर शो करेगा। तो जब आप आंसर शीट में लिखोगे तो आपने वही लिखना है जो उसमें गिवन है। जब प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो वहाँ पे आप अपने सिस्टम के MySQL का पासवर्ड लिखोगे, ठीक। अब हमें इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेनी है चार चीज़ों की, रोल नंबर की, एक हो गया हमारा नेम, एक हो गया हमारा DOB, और एक हो गया हमारा फी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर द रोल नंबर। फिर नेम लिखा हमने यहाँ पे, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम। फिर उसके बाद हमारा DOB है, DOB इज इक्वल टू इनपुट एंटर DOB। SQL में जब भी हम डेट ऑफ बर्थ एंटर कराते हैं तो वहाँ पे हम इसको कोट्स में लिखते हैं ना, इसलिए यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगा रहे हैं। एंटर डेट ऑफ बर्थ कराया हमने यहाँ से, उसके बाद फी हमने लेनी है यहाँ पे, तो फी को हमने फ्लोट में लेना है। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है आई थिंक ये चीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है फी फ्लोट, है ना, दिस पॉइंट हियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको एज अ फ्लोट वैल्यू ले ली, इक्वल्स टू फ्लोट, और यहाँ पे हमने कह दिया एंटर द फी, ठीक है। ये चीज कर दी। अब हमें कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, ठीक है। अब हमने कर्सर इंस्टांस की हेल्प से क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, इंसर्ट कराना है रिकॉर्ड, तो हम क्या कहेंगे, इंसर्ट इन टू स्टूडेंट वैल्यूज, वैल्यूज हमारी क्या क्या है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और फी। तो रोल नंबर तो हमारा एज इट इज आ गया, और नेम है तो इसको हम कोट्स में लिखेंगे, और फिर हमारे DOB है तो ये भी कोट्स में जाएगी, और फी जो है वो हमारा सिंपल जाएगा नंबर में। इंसर्ट इन टू स्टूडेंट वैल्यूज, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा दिस थिंग क्लोज, क्वेरी क्लोज डॉट फॉर्मेट। चार चीज़ें इसमें जाएंगी जो यहाँ पे हमने नेम स्पेसिफाई किया हुआ है, दैट इज रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा DOB कॉमा फी, ठीक है। ये हमने यहाँ से इस तरह से किया, और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब ये एग्जीक्यूट हो गया, और हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी मैनिपुलेटिव कमांड यूज़ करते हैं, DML कमांड, इंसर्ट डिलीट या अपडेट, तो वहाँ पे हमें कमिट फंक्शन ज़रूर लगाना होता है। तो हमने कहा कॉन डॉट कमिट, और यहाँ कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ हमें चेक करनी है। अभी देखो यहाँ पे जो आपका है, अगर मैं यहाँ दोबारा से स्टेटमेंट लिखूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एम्प्टी सेट दिखा रहा है ना, तो जब हम इसे रन करेंगे तो उस केस में ये हमें वो वैल्यू दिखानी चाहिए इसको हमें, ठीक है। तो हमने इसको रन किया, रन करने के बाद अनमैच, अच्छा ओके, यहाँ इनपुट फंक्शन रह गया हमारा, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू रन इट, एंटर द रोल नंबर 1, नेम रोहित, DOB सपोज 1992, 4 एंड 7, ठीक है। ओ चलिए फी हम डाल देते हैं 4000, राइट।
एक बार हमने रन किया, एक बार दोबारा रन करा लेते हैं, दो तीन वैल्यूज उसमें डाल लेते हैं। रोल नंबर टू, नेम ऋषि, डेट ऑफ बर्थ 1995, 7, 6, ईयर मंथ और डेट के फॉर्मेट में डाल रहे हैं। फी डाल दी 5500। दो रिकॉर्ड्स हो गए, एक बार तीसरा रिकॉर्ड इसमें और डाल लेते हैं। रोल नंबर, नेम दे दिया दीपिका एंड डेट ऑफ बर्थ दे दी 1996, 04, 03। देन फी डाल दी हमने 6000। तो इसके हिसाब से इसमें तीन रिकॉर्ड्स एंटर होने चाहिए। अब हम अपने माई एसक्यूएल में जाके इसको चेकआउट करते हैं कि तीन रिकॉर्ड्स इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने लगाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे देखो, जो हमने तीन रिकॉर्ड डाले थे ना, वो एज इट इज हमारे आ चुके हैं, एक रोहित का, एक ऋषि का और एक दीपिका का। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंसर्ट कमांड इसमें लगा दी, ये हमारा यहाँ पे कवर अप हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी कोडिंग लिखनी है। ये आपकी कोडिंग रहेगी, बस यहाँ पे पासवर्ड में जो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है ना टाइगर, वो लिख देना। ठीक है, और जो डेटाबेस का नाम है वो आपने लिख देना। डेटाबेस का नाम स्कूल दिया हुआ है और टेबल का नाम स्टूडेंट दिया हुआ है। माई एसक्यूएल इज नॉट अ गेस्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, डजेंट मैटर, ये काम कर जाएगा। ठीक है, अब इसके और पार्ट आया हुआ है। अच्छा, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही, मतलब पूरे क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, फर्स्ट और सेकंड के साथ फर्स्ट और सेकंड ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में देखो, एक बार मार्किंग स्कीम में जाते हैं। ये इसमें डेटाबेस का नाम है सैम्पल 2023 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में डेटाबेस का नाम स्कूल है, तो आपने स्कूल ही रखना है। बाकी कनेक्शन ऑब्जेक्ट का और कर्सर इंस्टांस का नाम आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल में कुछ और लिया, मार्किंग स्कीम में कुछ और है, तो दैट डजेंट मैटर, आप कुछ भी ले सकते हैं। क्वेरी को आप अलग से लिख के यहाँ पे सिर्फ क्वेरी दे सकते हो, या फिर एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर ही आप ये क्वेरी पूरी पूरी लिख सकते हो, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, इसके बाद एनी अदर लिखा हुआ है ना, एनी अदर करेक्ट लॉजिक में भी मार्क ठीक होना चाहिए, मतलब ठीक आ रहा है तो आप कुछ भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट की एंड कैंडिडेट की। अब ऑल्टरनेट की और कैंडिडेट की में क्या, देखो एक डिफरेंस आपको बताना है। तो आपके टेबल की का जो वो कॉलम होता है जिसमें सारी वैल्यूज यूनिक होती है, वो तो आपकी कौन सी होती है, प्राइमरी की। लेकिन अगर प्राइमरी की को छोड़ के कोई भी और ऐसा कॉलम है, कोई भी एट्रीब्यूट है जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज है और नल वैल्यूज नहीं है, तो वो आपकी क्या होगी, कैंडिडेट की। ठीक है, और उसको भी छोड़ के कोई और ऐसा कॉलम है जिसमें यूनिक वैल्यूज और नल वैल्यूज हैं, नल वैल्यूज नहीं है, तो वो आपकी क्या मानी चाहिए, ऑल्टरनेट की। लेकिन हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो क्या लिखा है, ऑल द कीज, यानी कि सारे ऐसे कॉलम जो कैंडिडेट हैं प्राइमरी की बनने के, वो कैंडिडेट कीज हैं, और जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं बनते, वो ऑल्टरनेट कीज हैं। ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप इसमें एक छोटा सा टेबल बना सकते हो, वैसे तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना लिख दोगे तो भी बेटर है। बाकी आप इसमें एक टेबल बना सकते हो, सपोज आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बना लिया, स्टूडेंट आईडी कैंडिडेट की हो गई, और आधार नंबर ऑल्टरनेट की हो गया, ऐसे आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है हमारा, सरताज हैज क्रिएटेड अ टेबल नेम स्टूडेंट इन माई एसक्यूएल डेटाबेस स्कूल। सेम डेटाबेस का नाम स्कूल है और टेबल का नेम स्टूडेंट है, रोल नंबर नेम डीओबी फी, जैसे ऊपर क्वेश्चन था सेम वही है। कनेक्टिविटी करनी है, यूजर नेम रूट, ये ठीक है ऊपर जैसा ही है। आंसर शीट में बस पासवर्ड में आप टाइगर ले लेना, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन में हम वो ले रहे हैं जो हमारे माई एसक्यूएल का पासवर्ड है। ठीक है, सरताज नाउ वांट्स टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हुज फीस इज मोर देन 5000। जिन बच्चों की फीस 5000 से ज्यादा है वो डिस्प्ले कराने हैं। माई एसक्यूएल में देखो, इसमें अगर जो फीस 5000 से ज्यादा है वो दो स्टूडेंट्स की, एक ऋषि की, एक दीपिका की, यानी कि ये मुझे डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, तो इस केस में हम इसी प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। अब ये डेटा तो यूजर से नहीं लेना, ये हटा देते हैं यहाँ से। MySQL डॉट कनेक्टर इम्पोर्ट किया, कनेक्ट फंक्शन लगाया, कर्सर फंक्शन लगाया, एग्जीक्यूट फंक्शन लगाया। अब इसके अंदर क्वेरी को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेरी को डिस्प्ले कराना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी ग्रेटर देन, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो कोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस थिंग डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी 5000 से ज्यादा। ठीक है ना, तो 5000 यहाँ पे दे दी हमने, दिस थिंग, ये हो गया। अब कमिट फंक्शन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, इंसर्ट डिलीट और अपडेट और ऑल्टर में रिक्वायर्ड होता है।
अब यहाँ पे हमें एक चीज करनी है, जब भी सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं या तो फेच वन करेंगे या फेच ऑल करेंगे या फेच मैन ही करेंगे। तो सारे रिकॉर्ड्स वो वाले लेने हैं जिसमें 5000 से ज्यादा हो, तो क्या कहेंगे, कर्सर डॉट फेच ऑल, इसको ए में डाल देते हैं, ए इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच ऑल, ठीक है, फॉर आई इन ए प्रिंट आई। अब हमें इसमें वो चीज प्रिंट करानी है, फॉर आई इन ए प्रिंट आई, एक एक करके हमने उसको डिस्प्ले करा दिया। तो यहाँ पे आप देखो इसकी मार्किंग स्कीम में, जैसे इन्होंने डेटा में ले लिया, फॉर आई इन डेटा, फॉर रिकॉर्ड इन डेटा प्रिंट रिकॉर्ड। बस अब हमने यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर दिया, हम इसको रन करके अब चेकआउट करते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। देखो यहाँ पे आया डू ऋषि, इसके 5000 से ज्यादा है, फीस 5500 है, और थर्ड दीपिका की है दैट इज 6000 है, ठीक है, आ गया। और यही चीज अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो सिंपली आप क्या करोगे, वेयर फी ग्रेटर देन 5000। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी ऋषि और दीपिका का रिकॉर्ड आ रहा है, और जो पाइथन में हमारे आइडियली स्क्रीन के शेल में जो आउटपुट आया वो भी हमारा यही आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके साथ ही हमारे जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मार्किंग स्कीम देखो इसकी कैसे है, हाफ मार्क्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का है, वन मार्क कनेक्ट फंक्शन का है, देखो हाफ मार्क्स इसका है, वन मार्क कनेक्ट फंक्शन का है, देन वन मार्क आपका क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने का है, फेच ऑल कमांड को यूज करने का हाफ मार्क्स है, और आपका वन मार्क फॉर करेक्टिवली डिस्प्लेइंग द डेटा, ठीक है। तो सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। बीच के लॉजिक में अगर फिर भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो उसको, और अगर पेपर के टाइम पे आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो एटलीस्ट आप अगर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देते हैं, कनेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं, तो आप इजीली आपके वहां पे स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी आपको, ठीक है, मार्किंग होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने 35 के 35 क्वेश्चंस को कवर अप किया सैम्पल पेपर के, एंड फिर भी आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। And if you want to see the explanation of any of the questions, links are there in the description box. आप वहाँ से जाके किसी भी question के particularly explanation को check out कर सकते हो। And if you have any suggestion regarding any doubt or any query regarding any question, you can tell me in the comment section. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.